टेरिफ प्लान विभाग में रिलायंस जियो के प्रमुख होने के बाद भारतीय एयरटेल अब डेटा कार्ड बाजार में ऊपरी हाथ की तलाश कर रही है। पिछले त्योहार के दौरान रिलायंस जियो ने रिलायंस जियो M2S राउटर की कीमत में 50% की कटौती की थी, जिससे इसे अभी 999 रुपये में खरीदा जा सकता है। और आज एयरटेल ने अपने 4G हॉटस्पॉट और 4G डोंगल की कीमत में 50% की कटौती करके रिलायंस जियो को नेक टू नेक फाइट देने के लिए तैयार है। ग्राहकों को बता दें कि एयरटेल 4G हॉटस्पॉट, जिसकी कीमत पहले 1950 रुपये थी, अब इसे 999 रुपये में खरीदा जा सकता है। और एयरटेल 4G डोंगल, जिसकी कीमत 3000 रुपये थी, उसे अब 1500 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा यह बात साफ नहीं हुई है कि एयरटेल की इन गैजेट्स की कीमत में गिरावट एक स्थायी है या अस्थायी है। एयरटेल 4G हॉटस्पॉट के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यह गैजेट चीनी विक्रेता हुआवे द्वारा निर्मित है और इसे एयरटेल के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। नई कीमत अभी तक अमेजोन इंडिया जैसे अन्य कई ई कॉमर्स पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हुई है। एयरटेल 4G हॉटस्पॉट 1500 mAh की ली आयन बैटरी के साथ आता है और एक समय में 10 डिवाइस तक कनेक्ट किया जा सकता है। एयरटेल 4G हॉटस्पॉट 6 घंटे की बैटरी लाइफ प्रदान करता है और 4 घंटे में 0 से 100% तक चार्ज किया जा सकता है। एयरटेल 4G हॉटस्पॉट 3G कनेक्टिविटी और 2G कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ भी आता है, जिसका अर्थ है कि जब 4G कनेक्टिविटी नहीं होती है तो आप 2G या 3G में भी डेटा का आनंद ले सकते हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।